AIVP GATE 2021 होम्योपैथी ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जो कि MD होम्योपैथी के एडमिशन के लिए होता है, उस टेस्ट का 2021 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये पार्ट वन है जिसमें कि अलाइड सब्जेक्ट्स हैं एंड पार्ट टू में होम्योपैथिक पार्ट है। सो सॉल्व पेपर ऑफ AIVP GATE 2021। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी सब क्लेविन आर्टरी का कंटिन्यूशन है, एक्सिलरी आर्टरी जो कि आगे कंटिन्यू होता है बैक्रियल आर्टरी। ऑप्शन है एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी एंड सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। एंड द आंसर इज सब स्कैपुलर आर्टरी। सो बुक में रेफरेंस है, सब स्कैपुलर आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी arising from the third part. Axillary artery basically तीन part में है, first part, second part and third part. Muscle है pectoralis minor जो कि इसको तीन part में divide करता है। जो first part है वो pectoralis minor का superior portion है, जो second part है वो pectoralis minor से posterior है and जो third part है वो pectoralis minor से inferior है। So first part का एक ब्रांच होता है, सेकेंड पार्ट का दो ब्रांच एंड थर्ड पार्ट का तीन ब्रांच, 1, 2, 3। फर्स्ट पार्ट का ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच का नाम है सुपीरियर थोरेसिक, सेकेंड पार्ट का ब्रांचेस है थोरैको एक्रोमियल एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी, जो कि थर्ड पार्ट का ब्रांचेस है सबस्कैपुलर ब्रांच, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जिसमें कि सबस्कैपुलर ब्रांच जो है वो लार्जेस्ट होता है। सो आंसर इज सबस्कैपुलर ब्रांच। ये सबस्कैपुलर आर्टरी है। सेकेंड वन इज व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ केमिस्टिक मसल। ए फीमोरल नर्व, बी जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फीमोरल नर्व, सी इलियो इंग्विनल नर्व एंड डी ऑब्टेटर नर्व। एंड द आंसर इज जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फीमोरल नर्व। सो ये केमिस्टिक मसल है, क्रिमेस्टर मसल, ये कवरिंग होता है टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड का, जिसके नर्व सप्लाई में नीचे लिखा हुआ है, हाइलाइटेड है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो फीमोरल नर्व। थर्ड वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डजंट पास थ्रू द लेसर सियाटिक फोरामेन। ए इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, बी इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, सी ऑब्टेटर इंटरनल टेंडन एंड डी प्यूडेंडल नर्व। And the answer is inferior gluteal nerve. A structure passing through the lesser sciatic foramen are A, 1, tendon of obturator internus, yani obturator internus muscle ka jo tendon hai, wo rahega. Second hai, pudendal nerve. Third hai, pudendal ko matlab hidden hota hai, to generally ye genital ka nerve hai. Third hai, internal pudendal vessels, yani ki artery and vein. और जो फोर्थ ऑप्शन था इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व, वो नहीं होता है। सो ये लेसर सियाटिक फोरामेन है जो रेड बॉक्स में है हाइलाइटेड किया हुआ। एक्चुअल में ये नॉच होता है, लेसर सियाटिक नॉच, बट लिगामेंट जो इलियम और सैक्रम को कनेक्ट कर रहा है इस्ट्रियम और सैक्रम को, उसके कारण वो नॉच जो है वो फोरामेन के फॉर्म में आ जाता है, उसके थ्रू ये सारा कंटेंट पास कर। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ हंटर्स कैनाल। ए फीमोरल आर्टरी, बी नर्व टू वास्टस लेटरलिस, सी नर्व टू वास्टस मीडियलिस एंड डी सेफेनस नर्व। एंड द आंसर इज नर्व टू वास्टस लेटरलिस। सो हंटर्स कैनाल, उसको एडक्टर कैनाल और सब सर्टोरियल कैनाल भी कहते हैं। तो ये कंटेंट है, कंटेंट्स ऑफ एडक्टर कैनाल, इसमें कि नर्व टू वास्टस मीडियलिस है, फीमोरल आर्टरी है एंड सेफेनस नर्व है। इसमें नर्व टू वास्टस लेटरलिस नहीं होता है। सो आंसर इज नर्व टू वास्टस लेटरलिस। फिफ्थ क्वेश्चन, एट द मिड एक्सिलरी लाइन पैटल प्लूरा एक्सटेंड्स अप टू द लेवल ऑफ विच री। ए 10th, बी 11th, सी 8th एंड 9th, डी 9th। And the answer is 10th. So, pleura,
प्लूरा लंग्स का कवरिंग है जो विसरस से अटैच्ड रहता है. ये दो लेयर है, जो विसरस अटैच्ड रहता है वो विसरल प्लूरा है, और जो बाहर रहता है वो पैट्रल प्लूरा है. तो इसमें पैट्रल प्लूरा के बारे में पूछ रहा है. उसमें भी मिड एक्सिलरी लाइन यानी कि एक्सिला के ठीक बीच से, एक्सिला का मेनली दो पोर्शन होता है, एंटीरियर फोल्ड एंड पोस्टीरियर फोल्ड, दोनों के बीच का जो रीजन हुआ वो मिड एक्सिलरी लाइन हुआ. तो वहाँ पर से प्लूरा कहाँ पर से क्रॉस कर रहा है, तो आंसर है 10th रिब इन मिड एक्सिलरी लाइन. ये फिगर है, एक मिड क्लेविकुलर लाइन है कि क्लेविकल के ठीक बीच से इमेजिनरी लाइन क्रॉस हो रहा है, एंड मिड एक्सिलरी लाइन जो एक्सिला है उससे एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस हो रहा है. तो इमेजिनरी लाइन में वो 10th में होता है, रिब एक्स यानी कि 10th रिब इस लेवल तक पैट्रल प्लूरा होता है. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लम्बिकल मसल ऑफ द हैंड. ए, फर्स्ट एंड सेकेंड लम्बिकल्स आर इनोवेटेड बाई मीडियन नर्व. बी, थर्ड एंड फोर्थ लम्बिकल्स आर इनोवेटेड बाई सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व. सी, ऑल अराइज फ्रॉम टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिस्ट्रम सुपरफिशियलिस. डी, ईच इज अटैच्ड टू द मीडियल मार्जिन ऑफ डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फिंगर. एंड द आंसर इज फर्स्ट एंड सेकेंड लम्बिकल्स आर इनोवेटेड बाई मीडियन नर्व. तो ये एक लाइन सही है, बाकी सारा गलत है. सो लम्बिकल्स, लम्बिकल्स फिंगर्स का मसल है, एंड इट अराइज फ्रॉम फोर टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से अराइज होता है, ना कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. प्रोफंडस डीप होता है, वो डीप से ऑरिजिनेट होता है, ना कि सुपरफिशियलिस से. फिर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो लेटरल साइड से हो रहा है, सेकेंड पार्ट जो है वो भी लेटरल साइड से हो रहा है, बट फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकेंड डिजिट से, सेकेंड पार्ट जो है वो थर्ड डिजिट से. तो यहाँ तक तो करेस्पॉन्डिंग उसके एडजेसेंट में है, एंड थर्ड का जो है एडजेसेंट साइड ऑफ सेम टेंडन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ का है एडजेसेंट साइड ऑफ सेम टेंडन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ. तो ये चारों सेम पैटर्न का नहीं है. सो जो ऑप्शन है मिडियल मार्जिन ऑफ द डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग फिंगर, ये ऐसा नहीं है. लेटरल है एंड एडजेसेंट है, मीडियल नहीं है. तो ये ऑप्शन भी गलत है. एंड लम्बिकल्स बाय फर्स्ट एंड सेकेंड नर्व, लेटरल टू बाय मीडियन नर्व, एंड थर्ड एंड फोर्थ बाय डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व. तो जो ऑप्शन सही है कि जो फर्स्ट और सेकेंड लम्बिकल है वो मीडियन नर्व के थ्रू सप्लाई होता है, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अल्नर नर्व के थ्रू होता है, बट वो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व के थ्रू होता है, ना कि सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व. तो ये ऑप्शन भी गलत है. सो करेक्ट आंसर होगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड लम्बिकल्स जो है वो मीडियन नर्व के थ्रू सप्लाई होता है. सो ये लम्बिकल्स का है थर्ड एंड फोर्थ, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व. तो ये अल्नर नर्व का ब्रांच है जो कि फोर्थ एंड थर्ड में जा रहा है, बट सेकेंड एंड फर्स्ट में नहीं जाता है. सेवेंथ क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज. ए, ग्लियल सेल जो ब्रेन में होता है. बी, मायोफाइब्रिल मसल्स का. सी, न्यूरॉन. एंड डी, रेड ब्लड सेल. तो दोनों ब्रेन का है ग्लियल सेल एंड न्यूरॉन, बट ग्लियल सेल जो है वो मैक्रोफेज का है, एंड न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन है. एंड द आंसर इज रेड ब्लड सेल. रेफरेंस में रेड ब्लड सेल्स आर बाय फार द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी. एट्थ क्वेश्चन, ये मैच द पेयर है. ए आई पी गेट के क्वेश्चन में मैच द पेयर बहुत होता है. सो लिस्ट वन में कोएंजाइम है, एंड लिस्ट टू में ग्रुप ट्रांसफर, यानी वो कोएंजाइम कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करता है. ऑप्शन से ए, थायमिन पायरोफॉस्फेट यानी TPP. बी, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट PLP. सी, टेट्राहाइड्रोफोलेट FH4. डी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एंड जो मैच करना है द ग्रुप ट्रांसफर आर, वन कार्बन ग्रुप, टू हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, थ्री फॉस्फेट ग्रुप, एंड फोर अमीनो ग्रुप. ये ऑप्शन है, एंड द आंसर इज थायमिन पायरोफॉस्फेट ग्रुप यानी TPP का जो ट्रांसफर ग्रुप होगा वो होगा हाइड्रोक्सी इथाइल.
पायरीडॉक्सल फॉस्फेट यानी PLP का ग्रुप होगा अमीनो ग्रुप, टेट्राहाइड्रोफोलेट यानी FSH4 का होगा वन कार्बन ग्रुप, एंड डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का होगा फॉस्फेट ग्रुप। ये रेफरेंस में थायमिन पायरोफॉस्फेट, तो पायरोफॉस्फेट जिसको भी हाइड्रोक्सोथाइल ग्रुप बोलते हैं, पायरोक्सिल फॉस्फेट वो अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, टेट्रा हाइड्रोफोलिक ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, मिथाइल फॉर्माइल जो जो वन कार्बन ग्रुप लिखा हुआ है यानी कि जब सिंगल कार्बन होता है तो मिथाइल है, सो मिथाइल ग्रुप, एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि फॉस्फेट ग्रुप। नाइन्थ क्वेश्चन, अमंग द एंजाइम्स गिवन बिलो दिस इज नॉट अ की ग्लूकोनियोजेनिक एंजाइम, यानी कि जो नया ग्लूकोज जो फॉर्म करता है इसमें से कौन सा एंजाइम है जो उसमें पार्ट नहीं लेता है। ऑप्शन है ए फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज, बी फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, सी पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, एंड डी पाइरुवेट काइनेज। एंड द आंसर इज पाइरुवेट काइनेज। सो ये प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, जिसमें कि ग्लूकोज से फिर वो जो कन्वर्शन होता है, तो उसमें फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज है, PEP कार्बोक्सी काइनेज है, पाइरुवेट कार्बोक्सीलेज है, बट पाइरुवेट काइनेज नहीं है, तो जो की एंजाइम जो एब्सेंट जो उसमें पार्ट नहीं लेता है वो है पाइरुवेट काइनेज। टेंथ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर वन इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन रीजन का भी बहुत क्वेश्चन आता है और धीरे धीरे उसका इंक्रीज कर रहा है फ्रिक्वेंसी असर्शन रीजन का। सो असर्शन ए में है मैक्यूली एंड सेंसरी ऑर्गन ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ऑरिएंटेशन ऑफ द हेड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ये स्ट्रक्चर्स ईयर में है, एंड रीजन है ड्यूरिंग एंगुलर एक्सलरेशन क्यूप्यूला एंड इट्स एम्बेडेड हेयर्स मूव इन मैक्यूली। इन लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। ए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड डी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अधिकतर असर्शन रीजन का ऑप्शन सेम रहता है बट मे बी ऑप्शन अलग भी हो सकते हैं। एंड द आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो रेफरेंस है फिजियो के बुक में, रिसेप्टर ऑर्गन इन ऑटोलिथ ऑर्गन इज कॉल्ड मैक्यूला, एंड द रोल ऑफ ऑटोलिथ ऑर्गन इन रेस्टिंग पोजिशन हेड एंड लिम्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर इन रिलेशन टू ग्रेविटी। तो वो ग्रेविटी के रिलेशन उन पोस्चर को मेंटेन करता है। एंड ऑटोलिथ ऑर्गन और वेस्टिब्यूल, ऑटोलिथ ऑर्गन और वेस्टिब्यूल इज फॉर्म्ड बाय यूट्रिकल एंड सेक्यूल, ऑफन यूट्रिकल एंड सेक्यूल आर टुगेदर कॉल्ड ऑटोलिथ, उसको साथ में ऑटोलिथ कहते हैं। तो दोनों लाइन सही है बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों काफ़ी अलग टर्म है। जो हाईलाइट पोर्शन है सेक्यूल एंड यूट्रिकल, इसको ऑटोलिथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द अमीनो एसिड दैट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इन टिश्यूज। तो अमीनो एसिड जो कि अमीन ग्रुप को हटाता है, सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इन टिश्यूज, ए एल एस्पार्टेट यानी कि लीवर एस्पार्टेट, बी एल ग्लूटामेट, सी एल ग्लूटामाइन, एंड डी एल ग्लाइसिन। एंड द आंसर इज एल ग्लूटामेट। सो ये पूरा प्रोसेस है यूरिया साइकिल का, जिसमें कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो रहा है यानी कि जो अमीन ग्रुप है वो रिमूव हो रहा है और वो ग्लूटामेट के प्रेजेंस में हो रहा है। सो द आंसर इज एल ग्लूटामेट यानी लीवो ग्लूटामेट। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द सब्सटेंसेस गिवन बिलो नेम द सब्सटेंस विच इज फिल्टर्ड बट नॉट रीअब्सॉर्ब्ड बाय किडनीज। तो बहुत सारा कंटेंट है जो कि किडनी में फिल्टर होता है बट फर्दर आगे जाकर के वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है,
एंड कुछ सब्सटेंस है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा है जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है? ए बाइकार्बोनेट, बी केटिनिन, सी पोटेशियम एंड डी यूरिया। एंड द आंसर इज केटिनिन। केटिनिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये दो जगह अलग अलग लिखा हुआ है, लाइक सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यानी किसी चीज से क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है। तो बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड यूरिया, ये तीनों रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एंड नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, वैसा सब्सटेंस जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं होता है कम्प्लीटली, उसको बिल्कुल भी किसी भी अमाउंट में वो एब्जॉर्ब नहीं होता है और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, उसको नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं। इन अनदर वे वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एंड उसमें एग्जाम्पल में है केटिनिन, जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो आंसर इज केटिनिन, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी रिसेंबल्स हीट रप्चर। अब FMT का क्वेश्चन है, तो कौन सी इंजरी है जो कि हीट रप्चर, जिसे हीट रप्चर यानी कि वो प्रेशर थ्रू बर्स्ट कर जाता है, तो कौन इससे रिसेंबल कर रहा है, उससे मैच कर रहा है? ऑप्शन है ए एब्रेशन, बी कंट्यूजन, सी लेसरेशन एंड डी स्टैब। एंड द आंसर इज लेसरेशन, यानी कि प्रेशर के थ्रू जो बर्स्ट कर जाता है उसके जैसा वो हीट रप्चर का इंजरी होता है। सो FMT की बुक में डिफरेंस है, हीट रप्चर्स दिस रप्चर्स और स्प्लिट इन द स्किन मे बी सेवल सेंटीमीटर इन लेंथ एंड सुपरफिशियल, दे मे रिसेंबल लेसरेशन, तो लेसरेशन के जैसा रिसेंबल कर सकता है। और इवन इन इनसाइज्ड वुंड, यानी कि जो शार्प कट होता है ब्लेड की तरह, उसके जैसा भी हो सकता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, सो लेसरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ पेट्रीफैक्शन इन अ डेड बॉडी लाइंग इन एयर इज सीन ओवर द रीजन ऑफ ए सीकम, बी लीवर, सी स्प्लीन एंड डी स्टमक। एंड द आंसर इज सीकम। सो पेट्रीफैक्शन में जो बॉडी है आफ्टर डेथ धीरे धीरे वो डैमेज होने लगता है, स्पॉल होने लगता है, तो उसमें सबसे पहले जो सीकम के एरिया है राइट साइड का, राइट इलियक फोसा, वो अफेक्टेड होता है, वहाँ पर डिस्कलरेशन होता है। द फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ पेट्रीफैक्शन इन अ बॉडी लाइंग इन एयर इज यूजुअली अ ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ओवर द रीजन ऑफ सीकम। सो द आंसर इज सीकम। क्वेश्चन नंबर 15, Which act empowers the central government to form a drug technical advisory board and to establish a central drug laboratory to help and advise both the central and state governments? The options are A. Drug and Magic Remedies Act 1954, B. Drugs and Cosmetic Act 1940, C. Mental Health Act 1987 and D. The Prevention of Food Adulteration Act 1954. तो जो ड्रग्स से रिलेटेड जो रूल है, जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट का, वो किस में आता है? एंड द आंसर इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। द लॉ ऑफ पॉइजन्स में है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो दिस एक्ट एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म अ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, तो इसके अंदर में एडवाइजरी बोर्ड बन सकता है, and to establish a central drug laboratory to help and advise both central and state government. So same line hai almost. The answer hoga Drug and Cosmetic Act 1940. Question number 16. Ye bhi match the pair hai. Isne list 1 mein hai name of phobia and list 2 mein hai isne explanation, yani ki meaning us phobia ka matlab kya hai. तो नेमोफोबिया, ए जेनोफोबिया, बी हाइड्रोफोबिया, सी क्लोस्ट्रोफोबिया एंड डी एक्रोफोबिया। एंड एक्सप्लेनेशन में जो मैच करना है, 1 फियर ऑफ वाटर, 2 फियर ऑफ हाई प्लेसेस, 3 फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड 4 फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेसेस। ये ऑप्शन है एंड द आंसर इज जेनोफोबिया का फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो जेनो का मतलब स्ट्रेंजर होता है, सो जेनोफोबिया में फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फोबिया का मतलब फियर होता है। हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फोबिया का फियर, सो फियर ऑफ वाटर। सी क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रो का मतलब क्लोज्ड स्पेस होता है।
सो फियर ऑफ बींग इन क्लोज और कन्फाइंड स्पेसेस एंड दी एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। एक्रो को मतलब हाइट होता है, हाइट और समिट, तो जो हाई प्लेसेस से प्रॉब्लम होगा उसको एक्रोफोबिया कहेंगे। ये फोबिया के अंडर में है बुक में, टेक्स्ट बुक में। एक्रोफोबिया इज मॉर्बिड फियर ऑफ हाई प्लेसेस। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ स्टेइंग इन अ क्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेस। जेनोफोबिया इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। एंड हाइड्रोफोबिया बताइए कि हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो वाटर के कारण जो फोबिया होगा वो हाइड्रोफोबिया, जो जनरली रेबीज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, अब ऑप्स का क्वेश्चन है। इन प्यूपेरियम द करेंट सिक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ लोकिया इज। लोकिया डिस्चार्ज से जो कि आफ्टर डिलीवरी होता है, जो कि लगभग 2 वीक्स तक कंटिन्यूड रहता है, वजाइनल डिस्चार्ज है। तो नाम है, 3 टाइप का लोकिया होता है, एल्बा, र्यूब्रा एंड सेरोसा। सो सिक्वेंस क्या है? ए एल्बा र्यूब्रा सेरोसा, बी एल्बा सेरोसा र्यूब्रा, सी र्यूब्रा सेरोसा एल्बा एंड डी सेरोसा एल्बा र्यूब्रा। सो आंसर इज र्यूब्रा सेरोसा एंड एल्बा। ये ऑप्स के बुक में, टेक्स्ट बुक में रेफरेंस है। लोकिया कलर, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ कलर ऑफ डिस्चार्ज इट इज नेम्ड एज लोकिया रुब्रा, दैट इज रेड। रुब्रा मतलब रेड होता है, जो कि 1 to 4 डेज तक रहता है। लोकिया सेरोसा, सेरोसा यानी कि सीरम लाइक सेरस, जो कि येलोइश होता है। सो द कलर इज येलोइश और पिंकिश और पेल ब्राउनिश। एंड जो लास्ट में होगा लोकिया एल्बा, एल्बा का मतलब वाइट होता है, सो पेल वाइट, जो कि 10 to 15 डे। तो 1 से 4 डेज तक रुब्रा, उसके बाद रुब्रा के खत्म होने के बाद सेरोसा, जो कि 5 to 9 डेज एंड एक्चुअली 5th to 9th डे, एंड लोकिया जो है वो 10 to 15 डेज। तो पहले रुब्रा, तब सेरोसा, तब एल्बा, यानी कि पहले रेड, फिर येलो, उसके बाद वाइट। नॉर्मली कोई इंजरी होता है या नोज ब्लीड हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, तो स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होता है तो वो रेडिश रहेगा, धीरे धीरे ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है एंड अल्टीमेटली लास्ट में म्यूकस या पस रहता है। इसलिए ये भी याद रखने के लिए एक हिंट हो सकता है कि पहले रुब्रा होगा, तब वो येलोइश होगा, धीरे धीरे रेडनेस घटेगा, हीमोग्लोबिन घटेगा, तो वो सेरोसा होगा एंड देन एल्बा। क्वेश्चन नंबर 18, ये गाइनिया क्वेश्चन है। तो डिजीज का नाम है एंड उसमें क्या फाइंडिंग होता है वो है। सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डिजीज है, कंडीशन है ए स्विस चीज, बी स्ट्रॉबेरी वजाइना, सी ग्रेप लाइक वेसिकल्स एंड डी डफी एब्डोमेन। लिस्ट 2 हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल्ड एंडोमेट्रियम, 2 ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, 3 ट्राइकोमोनियसिस एंड 4 मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका। ये ऑप्शन है एंड द आंसर इज स्विस चीज, मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका, स्ट्रॉबेरी वजाइना, ट्राइकोमोनियसिस, ग्रेप लाइक वेसिकल्स, हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल्ड एंडोमेट्रियम एंड डफी एब्डोमेन, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस। तो सिस्टिक ग्रैन्यूलर हाइपरप्लेसिया, उसी को मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका कहते हैं या फिर स्क्रोडस डिजीज बोलते हैं। उसमें स्विस चीज लाइक अपीयरेंस रहता है, यानी कि जैसे जो स्विस चीज है उसमें लार्ज होल्स होते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी लार्ज होल रहेगा। तो फिगर में है एंडोमेट्रियम शोइंग स्विस चीज अपीयरेंस, तो जो लार्ज वैक्यूल जैसा जो होल्स दिख रहे हैं, तो स्विस यानी स्विट्जरलैंड का, तो इस तरह का अपीयरेंस रहेगा, तब वो मेट्रोपैथिया हेमरेजिका है। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिजीज ट्राइकोमोनियसिस, उसमें स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस मिलता है। तो फिगर में है पंक्टेट हेमरेज स्पॉट एंड स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑन सर्विक्स। तो सर्विक्स रीजन में और वजाइना रीजन में वो रेडिश स्पॉट रहता है, जैसे स्ट्रॉबेरी में उसका सीड्स का अपीयरेंस होता है, वो डॉट डॉट सीड्स है। उसी तरह से यहाँ पे ब्लीडिंग होता है, जो कि पंक्टेट यानी कि स्मॉल पोर्शन में होगा। सो ट्राइकोमोनियसिस जो अपीयरेंस होगा वो एक जब एग्जामिनेशन करेंगे स्पेकुलम से, तो वो स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस मिलेगा। नेक्स्ट वन, ये हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल्ड का है, नीचे फिगर में हाइड्रोटिडिफॉर्म मोल्ड, इसको कि मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं, शोइंग क्लस्टर्स ऑफ वेसिकल्स ऑफ वेरिंग साइज, जिसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो वजाइनल ब्लीडिंग में वाइट क्यूरेंट इन रेड क्यूरेंट जूस, एक्चुअली क्यूरेंट
ग्रेप्स के जैसा फ्रूट होता है, तो ऐसा अपीयरेंस होता है कि जो वेसाइकल है वो वाइटिश है और वो ब्लड में मिक्स्ड रहता है, इसलिए वाइट क्यूरेंट यानी कि वाइट ग्रेप्स इन रेड क्यूरेंट जूस, यानी कि रेड ग्रेप जूस जो कि ब्लड का को सिग्निफाई कर रहा है वैसा अपीयरेंस होता है, तो ग्रेप लाइक वेसाइकल्स रहता है। नेक्स्ट है डफी एब्डोमिन। तो पर एब्डोमिन एब्डोमिन में फील डफी, डफी यानी कि जो आटे का लोई होता है उसके जैसा, ड्यू टू मैटेड इंटेस्टाइन, और ये ट्यूबरकुलर कंडीशन में मिलता है, सो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस। क्वेश्चन नंबर 19, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये भी एसर्शन रीजन है, तो इसमें एसर्शन है, ऑप्शन जनरली सारे सेम होते हैं। एसर्शन है द एक्सटर्नल ओस इज क्लोज्ड इन थ्रेटन मिसकैरेज, एंड रीजन है इन थ्रेटन मिसकैरेज द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैड स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन सेम है एंड द आंसर इज बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो थ्रेटन मिसकैरेज या फिर थ्रेटन अबॉर्शन, ऐसा कंडीशन जिसमें कि अबॉर्शन का जैसा फेज आया है बट जो ओस होता है वो क्लोज्ड होता है, और वो ऐसा कंडीशन पे नहीं आया जहाँ से वो बैक नहीं आ सकता है, यानी कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर मेडिकेशन हो, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होता है। जबकि इसका ऑपोजिट होता है इनकम्प्लीट मिसकैरेज में, जिसमें कि कुछ कंटेंट जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है और बाकी होना होता है, तो और उसमें वो कंटिन्यू नहीं हो सकता है, और जो ओस होता है वो ओपन होता है। सो थ्रेटन्ड मिसकैरेज अ क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोग्रेस वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड इन टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल, यानी कि वैसे पोजिशन तक नहीं पहुँचा जहाँ से वो वापस नॉर्मल पोजिशन पर नहीं आ सकता है, ऐसा कंडीशन नहीं आया है, तो ये गुड प्रोग्नोसिस है और प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू होता है। पेल्विक एग्जामिनेशन, डिजिटल एग्जामिनेशन रिवील्स द क्लोज्ड एक्सटर्नल ओस, जो एक्सटर्नल ओस रहेगा सर्विक्स का वो क्लोज्ड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एसर्शन रीजन है। एसर्शन लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड इज इफेक्टिव एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ओनली फॉर 6 months पोस्टपार्टम प्रोवाइडेड रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग इज डन विथ एटलीस्ट 1 night फीड, एंड रीजन है हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन प्रिवेंट FSH सर्ज एंड ओव्यूलेशन। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया, तो नॉर्मली लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है वो फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया है, प्रेगनेंसी के बाद अबाउट 6 months तक जो है एमिनोरिया का फेज रहता है, तो उसको लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं, यानी जब लैक्टेशन फेज में है, जब वो बेबी को फीड किया जा रहा है, तो वैसे केस में ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रासेप्शन का फेज रहता है जो कि अबाउट 6 month का होता है। एंड रीजन में कह रहा है कि FSH के लेवल, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है जो कि FSH के सर्ज को और ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन सेम है, आंसर होगा एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, एसर्शन सही है रीजन सही नहीं है। सो एसर्शन यानी ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशनल एमिनोरिया LAM प्रोलॉन्ग एंड सस्टेन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर्स एंड नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वैसे कि इसमें नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का फेज रहता है जो कि 1st 6 months तक होता है, जबकि जो रीजन है वो गलत है दैट ड्यूरिंग लैक्टेशन हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन इंक्रीज रहता है नो डाउट, बट दैट इनहिबिट्स ओवेरियन रिस्पॉन्स टू FSH, यानी कि FSH नॉर्मल लेवल में है बट जो ओवरी है वो उससे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जब ओवरी रिस्पॉन्ड करेगा FSH से तब चेंज जाता है, ओवरेशन ऑफ फेज आता है, बट FSH से वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, जबकि ऑप्शन में था रीजन में दैट प्रिवेंट FSH सर्ज, तो FSH सर्ज यानी कि फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है, तो सर्ज यानी कि जो पीक का फेज है तो उस पीक को नहीं रोकता है बल्कि ओवरी पे इफेक्ट करता है, और ओवरी न्यूट्रल रहता है FSH के सर्ज से, सो जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, द सोनोग्राफिक डायग्नोसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ फिटल पोर इन अ जेस्टेशन सैक विद अ डायमीटर ऑफ 3 centimeter और मोर इज नोन एज ए ब्लैटेड ओवम, बी ब्लड मोल, सी कैनियस मोल, डी वेस्कुलर मोल। सो द आंसर इज ब्लैटेड ओवम। ब्लैटेड ओवम इसी को साइलेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। इट इज अ सोनोग्राफिक डायग्नोसिस
देयर इज एब्सेंस ऑफ फिटल पोल इन अ जेस्टेशनल सैक. जेस्टेशनल सैक जो होता है उसमें जो फिटल पोल है वो एब्सेंट रहेगा. विथ लेस डायमीटर जो होगा वो 3 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है. तो ये ब्लैटेड मोल का कंडीशन है और ये जो पिक्चर है वो भी ब्लैटेड मोल का है. अल्ट्रासोनिक पिक्चर ऑफ ब्लैटेड कोलोन. क्वेश्चन नंबर 22. अ 30-year-old फीमेल प्रेजेंट्स इन ओपीडी विथ वाइट मिल्की डिस्चार्ज पर वेजाइना विथ फिशी ऑर्डर. ऑन इंटोग्रेशन शी सेज दैट शी हैज ओनली मिनिमल वल्वल इरिटेशन. व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? ए कैंडिडियासिस, बी क्लेमाइडल इन्फेक्शन, सी गार्डरेनल वेजिनोसिस, डी ट्राइकोमोनियसिस. एंड द आंसर इज गार्डरेनेला वेजिनोसिस. सो बैक्टीरियल वेजिनोसिस वो गार्डरेनेला वेजिनेलासिस के कारण होता है, इसलिए इसको गार्डरेनेला वेजिनोसिस भी कहते हैं. तो ये बैक्टीरियल कंडीशन है. क्लिनिकली इट इज कैरेक्टराइज बाय क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज विथ फिशी स्मेल विदाउट एक्सटेंसिव एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो जो आंसर है वो होगा गार्डरेनेला वेजिनोसिस. 23. During labor, the condition in which there is no physiological differentiation of upper segment and active upper segment and passive lower segment of uterus is known as A. Constriction ring, B. Pathological retraction ring, C. Uterine atony, D. Uterine tetany. And the answer is uterine tetany. So uterine tetany. इसी को जनरलाइज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. इन दिस कंडीशन प्रोनाउंस्ड रिट्रैक्शन ऑकर्स इन्वॉल्विंग होल ऑफ द यूट्रस अप टू द लेवल ऑफ इंटरनल ओस. सो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. देयर इज नो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्टिव अपर सेगमेंट एंड द पैसिव लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस. ये फिगर है जनरलाइज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस का. A 28-year-old female undergoes a pelvic ultrasound in the premenstrual phase to assess her endometrial thickness. The normal endometrial thickness in this phase should be. तो ये premenstrual phase है. Option A 2-4 mm, B 4-6 mm, C 6-8 mm, and D 8-12 mm. And the answer is 8-12 mm. तो प्री मेनोपॉजल फेज जो बाद का फेज है मेंस्ट्रुअल फेज में लेट प्रोलिफरेटिव प्री ओवुलेटरी फेज जो होगा वो अप टू 11 mm. तो जो 8-12 mm का जो रेंज है वो इसके अंदर आता है. सो 8-12 mm आंसर होगा. 25. क्वाड्रपल और क्वाड स्क्रीनिंग जिसको क्वाड्रपल टेस्ट भी कहते हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड्स ए HCG टैप ए unconjugated estriol serum progesterone, B. MSAFP, dimeric inhibin A, HCG, NT, C. MSAFP, unconjugated estriol, dimeric inhibin A, HCG, ND, unconjugated estriol serum progesterone, HCG, and MSAFP. So the answer is MSAFP, unconjugated estriol, dimeric inhibin A, and HCG. तो ये बुक का रेफरेंस है. ट्रिपल टेस्ट उसमें 3 ही चीज़ होता है एंड क्वाड्रपल टेस्ट में 4 होगा. ट्रिपल टेस्ट प्लस इनहिबिन ए. सो क्वाड्रपल टेस्ट में एमएसएएफपी यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन जो कि फीटस में प्रेजेंट होता है और फिर वो मदर के ब्लड में प्रेजेंट होता है. एक्चुअली वो फीटस का कंटेंट है वो जो प्रोटीन है और वो मदर के ब्लड में प्रेजेंट रहता है तो वो टेस्ट करते हैं. कुछ कंडीशन है जिसमें कि ये बढ़ जाता है, कुछ कंडीशन है जिसमें कि ये घट जाता है, जैसा भी कंडीशन होता है. फिर UE3 यानी कि अनकंजुगेटेड, E3 यानी कि एस्ट्रोजन 3 एस्ट्राट्रायोल जिसको बोलते हैं. तो एस्ट्रोजन 3 टाइप का होता है E1, E2, E3. तो ये थर्ड टाइप है. जो E1 होता है वो मेनोपॉज के फेज में एक्टिव रहता है, E2 रिप्रोडक्टिव फेज में, और उसी रिप्रोडक्टिव फेज में जब प्रेगनेंसी का फेज आता है तब E3. सो ये E3 है. एंड HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोफिन हार्मोन. एंड तो ये 3 अगर सिर्फ रहता तब वो ट्रिपल टेस्ट होता.
प्लस इनहिबिन ए है तभी क्वाड्रुपल टेस्ट में है। सो ट्रिपल टेस्ट HCG, MSAFP एंड अनकंजुगेटेड एस्ट्रायोल, क्वाड्रुपल टेस्ट HCG, MSAFP, अनकंजुगेटेड एस्ट्रायोल U3 एंड इनहिबिन ए। तो कलर में डार्क ब्राउन, गोल्डन, ग्रीनिश येलो, डार्क कलर। एबनॉर्मैलिटी में पोस्ट मैच्योरिटी, इंटरयूट्राइन डेथ, कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज एंड आईज इनकॉम्पैटिबिलिटी। ऑप्शन है एंड आंसर इज डार्क ब्राउन इंटरयूट्राइन डेथ में होता है। गोल्डन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा वो आईज इनकॉम्पैटिबिलिटी में होगा। ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी, कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज को की एब्रप्टिव प्लासेंटा भी कहते हैं। तो ब्लड के प्रेजेंस के कारण वो डार्क कलर का होगा। एबनॉर्मल कलर गोल्डन कलर आईज इनकॉम्पैटिबिलिटी, ग्रीनिश येलो जिसको कि सैफन भी कहते हैं पोस्ट मैच्योरिटी, डार्क कलर कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज यानी एब्रप्टिव प्लासेंटा, डार्क ब्राउन जिसको कि टोबैको जूस भी कहते हैं, तो IUD यानी कि इंट्रायूटराइन डेथ या फिर इंट्रायूटराइन फीटल डेथ। 27 PSM का क्वेश्चन है, माइग्रेशन स्टडी इज अ टाइप ऑफ ए केस कंट्रोल स्टडी, बी कोहोर्ट स्टडी, सी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, डी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। एंड द आंसर इज डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। सो ये PSM का टेक्स्ट बुक का रेफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में माइग्रेशन है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी टू स्टडी द टाइम प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सर्टेन टाइम पे जो कंटेंट है उसके बारे में। सो माइग्रेशन जो है वो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आता है। 28 इन जैपनीज इंसेफेलाइटिस एपिडेमियोलॉजी पिक एक्स एट ए एम्पलीफायर होस्ट, बी डेड एंड होस्ट, सी इंटरमीडिएट होस्ट, डी मॉस्किटो अटैकेंट। एंड द आंसर इज एम्पलीफायर होस्ट। In some places, up to 100% of pigs may be infected with JE, that is Japanese encephalitis. Infected pigs do not manifest any overt symptom of illness, but circulate the virus so that mosquitoes get infected and can transmit the virus to man. The pigs are thus considered an amplifier, क्योंकि वो amplify कर रहा है infection को, बहुत ज़्यादा increase कर रहा है, तो उसको amplifier कहा जाता है, amplifier of the virus, और ये JE virus होता है। 29 इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड एग्जाम्पल्स। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में मॉर्टलिटी इंडिकेटर, बी मॉर्बिलिटी इंडिकेटर, सी डिसेबिलिटी इंडिकेटर, डी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। एग्जाम्पल्स में इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस, डिपेंडेंसी रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी। मैच द पेयर में ऑप्शन है एंड द आंसर इज मॉर्टलिटी इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि मॉर्टलिटी यानी कि जो डेथ का कंडीशन है, डेथ का जो इंडिकेटर है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलेगा कितना लाइफ रहता है। अलग अलग रेस का, अलग अलग कॉन्टिनेंट का जनरली वो वैरी करता है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर यानी कि डिजीज का इंडिकेटर, तो वो इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, इंसिडेंस यानी कितना नया केस आया, प्रिविलेंस जो पहले से है। डिसेबिलिटी इंडिकेटर जिसमें कि कोई कंडीशन हो जिसमें कि डिसेबिलिटी हो, तो उसका जो इंडिकेटर होगा वो है लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, क्योंकि डिसेबिलिटी के कारण मोबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, उसका लिमिटेशन होगा, सो लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी। डी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर वो है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो यानी कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग एज ग्रुप, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट यानी जिससे चाइल्ड है, ओल्ड एज पीपल है, वो डिपेंडेंट है जो कि वर्किंग एज ग्रुप जो है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो चाइल्ड का जो कैटेगरी हुआ वो 0 to 14 ईयर्स तक और 15 ईयर्स, ओल्ड का जो होगा वो मोर देन 65 ईयर्स। ये जो 15 से लेकर के 64 ईयर्स का जो फेज रहेगा वो वर्किंग फेज है या फिर लेबर फेज कह सकते हैं, तो उसके ऊपर और उसके नीचे का जो लोग होंगे वो डिपेंडेंसी रेशियो में काउंट होंगे। तो मोर्टलिटी इंडिकेटर, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस, डिसेबिलिटी रेट्स, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी,
एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर डिपेंडेंसी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एपोलाइपोप्रोटीन ए इज अ टाइप ऑफ एसजीएल प्रोटीन, बी एपोलाइपोप्रोटीन बी इज अ टाइप ऑफ एलडीएल प्रोटीन, सी फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज रिकमेंड टोटल कोलेस्ट्रॉल एसडीएल रेशियो शुड बी बिलो 5.5, डी एसडीएल कोलेस्ट्रॉल इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। सो ये ऑप्शन है कि कौन कौन सा सही है, एंड द आंसर इज ए एपोलाइपोप्रोटीन ए वन इज अ टाइप ऑफ एसडीएल प्रोटीन। ये लाइन सही है, एसडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एपोलाइपोप्रोटीन बी इज अ टाइप ऑफ एलडीएल प्रोटीन यानी कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। सी फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज रिकमेंडेड टोटल कोलेस्ट्रॉल एसडीएल रेशियो शुड बी बिलो 5.5, ये स्टेटमेंट गलत है, ये नंबर वैरी करता है। डी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज के अगेंस्ट में काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ सीएचडी यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये स्टेटमेंट है। टोटल कोलेस्ट्रॉल है और एचडीएल का जो रेशियो होगा वो 3.5 होता है, द रेशियो इज लेस देन 3.5 हैज बीन रिकमेंडेड एज अ क्लिनिकल गोल फॉर सीएचडी प्रिवेंशन। तो वो 5.5 नहीं है बल्कि 3.5 है। एपोप्रोटीन ए वन द मेजर एचडीएल प्रोटीन वो एचडीएल है, एंड एपोप्रोटीन बी द मेजर एलडीएल प्रोटीन, जो बी है वो एलडीएल प्रोटीन। ये तीन स्टेटमेंट सही है, 3.5 होगा ना कि 5.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A. Animal protein doesn't contain any fiber. B. Vitamin B12 is not present in foods of vegetable origin. C. Dietary antioxidants always are of very high nutritive value. D. Vitamin D is not present in natural vegetable food. Choose the correct set of statements from the options given below. A. A, B, D only. B. A, B, C only. C. A, C and D only. डी बी सी एंड डी ओनली, यानी चार में से तीन स्टेटमेंट सही है, एक कोई गलत है। द आंसर इज एनिमल फूड डजंट कंटेन एनी फाइबर, ये स्टेटमेंट सही है। विटामिन बी 12 इज नॉट प्रेजेंट फूड्स ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन, सही है। डाइट्री एंटी ऑक्सीडेंट ऑलवेज आर ऑफ वेरी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये स्टेटमेंट गलत है। विटामिन डी इज नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल वेजिटेबल फूड, ये सही है। सो डाइट्री फाइबर, एनिमल फूड डू नॉट कंटेन एनी फाइबर, ये स्टेटमेंट सही है। विटामिन बी 12 इज नॉट फाउंड इन फूड्स ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन, ये भी सही है। डाइट्री एंटी ऑक्सीडेंट्स में एंटी ऑक्सीडेंट्स आर सब्सटांसेस विच आर बोथ न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिटिव भी हो सकता है और नॉन न्यूट्रिटिव भी हो सकता है। तो ऑलवेज आर द वेरी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। एंड फिर विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी ऑकर्स ओनली इन फूड्स ऑफ एनिमल ऑरिजिन, ये भी स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 32, लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेल पर्संस एक्सपोज्ड टू कम्युनिकेबल डिजीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉट लॉन्गर दैन द लॉन्गेस्ट यूजुअल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज टू प्रिवेंट इफेक्टिव कॉन्टैक्ट विद दोज नॉट सो एक्सपोज्ड इज डिफाइंड एज ए इरेडिकेशन, बी आइसोलेशन, सी क्वारंटाइन, the surveillance, and the answer is quarantine. Quarantine has been defined as a limitation of freedom of movement of such well person or domestic animal exposed to communicable disease for a period of time not longer than the longest usual incubation period of the disease in such manner to prevent effective contact. In quarantine, koi disease hai jo ki outspread hai, तो जो डिजीज का जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है यानी कि इन्फेक्शन से लेकर के जो सिम्टम्स अपीयर होता है वो जो फेज है उससे ज़्यादा टाइम तक नहीं, उस इंक्यूबेशन पीरियड तक उसको अलग रखना है। ऑल्दो वो नॉर्मल पर्सन है, वेल है, हेल्दी है, बट उसको अलग रखना है ताकि उसको वो कंप्लेन नहीं हो, तो ये क्वारंटीन है। 33, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल इज असर्शन एंड अनदर वन इज रीजन। सो असर्शन ए, a palpable gallbladder in a patient with obstructive jaundice is not due to impacted duct stones.
एंड रीजन है इन कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज गॉल ब्लैडर इज डिस्टेंडेड एंड पेपरेबल टू द राइट ऑफ रेक्टस मसल इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. ऑप्शन सेम है असर्शन रीजन का. आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. A palpable gallbladder in a jaundiced patient is usually the consequence of distal biliary obstruction by a pancreatic cancer. इसको Quercetin sign भी कहते हैं, यानी कि जब pancreatic cancer होगा और gallbladder जो है वो भी palpable होगा तो उसको Quercetin sign कहते हैं. तो वही है, तो assertion सही है. जो reason है वो भी सही है कि right side में pain होता है क्योंकि जो gallbladder है वो right side में होता है, right hypochondrium में होता है. Hypo यानी under और beneath and chondrium का मतलब ribs. सो रिब्स के नीचे का जो क्वाड्रेंट है, 9 क्वाड्रेंट में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है लीवर के पास, वहाँ पर गॉलब्लैडर है, इसलिए वहाँ पर कंप्लेन होता है. दोनों स्टेटमेंट सही है बट वो दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 34. ब्लूमस शेल्फ रेफर्स टू न्यूप्लास्टिक थिकनिंग ऑफ ए मॉर्सन्स पाउच, बी रेक्टोपोस्टेटिक फासा, सी रेक्टोसैकल फासा, डी रेक्टोवेसाइकल पाउच. एंड द आंसर इज रेक्टोवेसाइकल पाउच. सो रेक्टोवेसाइकल पाउच तो रेक्टम और वेसाइकल यानी कि ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बीच में जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनता है उसको रेक्टोवेसाइकल पाउच बोलते हैं. दे आर पल्पेबल बाय रेक्टल एग्जामिनेशन, अ सेल्फ लाइक फीलिंग पॉपुलरली कॉल्ड ब्लूमर शेल्फ. तो वो शेल्फ के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसलिए उसको ब्लूमर शेल्फ कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. डिफरेंट साइन डिजीज कंडीशन, ए लंडन साइन, बी ग्रे टर्नर साइन, सी मर्सिडीज बेंज साइन, डी रैकटेल साइन. डिजीज कंडीशन हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, इसोफेजियल कार्सिनोमा, फोर्थ पॉलीलिथियसिस. ये ऑप्शंस हैं एंड द आंसर इज लंडन साइन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, ग्रे टर्नर साइन हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस, मर्सिडीज बेंज साइन पॉलीलिथियसिस, रेक्टल साइन इसोफेजियल कार्सिनोमा. सो लंडन साइन ब्रोजिंग इम्प्रिंट एब्रेशन ओवर द एब्डोमिनल वॉल सिग्निफाइंग हॉलो विस्कस परफोरेशन. तो वहाँ पे वो ब्लंट इंजरी कान होता है, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा कान होगा, उसको लंडन साइन कहते हैं. तो जो पहला फिगर वो लंडन साइन का है, फिर सेकेंड फिगर जो है वो ग्रेट टर्नर साइन का है जो कि हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस में मिलता है. ग्रेट टर्नर साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द फ्लैंक्स, बोथ दिस जो साइन है वो होगा पेरी पैंक्रियाटिक एंड रेट्रो पेटोनियल हेमरेजिकम. तो हेमरेजिकम वहाँ पर होता है और हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस में होता है. मर्सिडीज बेंज साइन, तो मर्सिडीज जो गाड़ी है उसका जो लोगो है मर्सिडीज बेंज साइन. 10% गोल्ड स्टोन्स आर रेडियो ऑपेक, 90% आर रेडियो लूसेंट. सेंटर ऑफ द स्टोन्स मे कंटेन रेडियो लूसेंट गैस, वहाँ पर रेडियो लूसेंट गैस होगा जिसे कान पर वो दिखता है. आइदर ट्राई रेडिएट यानी कि तीन डायरेक्शन में जा रहा है, रेडिएट हो रहा है, तो उसको मर्सिडीज बेंज साइन कहते हैं. ये बाई रेडिएट भी हो सकता है सिर्फ दो, उसको सीगल साइन कहते हैं. सीगल साइन यानी कि जो सी का बर्ड है उसके विंग्स के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, तो जब सिर्फ दो रहेगा तो वो पक्षी के जैसा लगेगा, जब तीन रहेगा तो उसको मर्सिडीज बेंज साइन कहेंगे. फिर है रैक्टल साइन, तो रैक्टल साइन जो है वो इसोफेजियल कार्सिनोमा में मिलता है, यानी कि जो इसोफेगस है वो नॉर्मली डिस्टेंडेड है जिस रीजन में, बाकी जो एरिया है वो बहुत टेपरिंग बहुत पतला सा हो जाता है, तो उसको रैक्टल साइन कहते हैं. 36. बर्च-वार्टोफ्स्की स्कोर इज यूज्ड टू एक्सेस ए फिमोल हर्निया, बी मेटल्स डाइवर्टिकुलम, सी रेक्टल कार्सिनोमा, डी थायरॉइड स्टॉम. एंड द आंसर इज थायरॉइड स्टॉम. थायरॉइड स्टॉम की थायरोटॉक्सिक क्राइसिस भी कहते हैं, उसमें ये बर्च-वार्टोफ्स्की सिस्टम यानी कि जो स्कोरिंग है वो यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए कि उसका स्कोरिंग क्या है कंडीशन का. क्वेश्चन नंबर 37. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months एंड 2 years ऑफ एज इज ए इंटेस्टाइनल एडिशंस, B. Intestinal tuberculosis, C. Intussusception, D. Obstructed hernia. And the answer is intussusception. Intussusception definition: invagination of one segment of intestine into another
यूजुअली द प्रॉक्सिमल इंटू डिस्टल इज कॉल्ड इंटू ससेप्शन. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट्स एज्ड 6 to 18 months. तो इसमें 18 months है यानी कि 1.5 साल का, और जो क्वेश्चन में वो 2 साल है तो ऑलमोस्ट सेम ही है. तो आंसर होगा इंटू ससेप्शन, जिसमें कि एक लूप का जो एक एंड है वो दूसरे में के अंदर चला जाता है, वो बल्ज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 38. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वॉन बेकलिंगोसेन डिजीज. ए, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. बी, क्रोमोसोम 27 इज इन्वॉल्व्ड. सी, कैफे ऊ ला स्पॉट्स आर कैरेक्टरिस्टिक. डी, डजंट टर्न इनटू सार्कोमा. ई, क्रैनियल स्पाइनल एंड पेरिफेरल नर्व्स आर इन्वॉल्व्ड. तो ऑप्शन है ए बी सी ओनली, ए बी डी ओनली, ए सी ई ओनली एंड बी डी ई ओनली. जो आंसर जो करेक्ट है दैट इज ए सी ई ओनली. इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. कैफे ऊ ले स्पॉट्स आर कैरेक्टरिस्टिक. क्रैनियल स्पाइनल एंड पेरिफेरल नर्व्स आर इन्वॉल्व. ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है. सो वॉन बेकलिंगोसेन या फिर वीआर डिजीज, इसमें ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ये लाइन सही है. कैफे ऊ ले स्पॉट्स जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. एसोसिएटेड विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रैनियल नर्व्स. 8th क्रैनियल नर्व यानी कि ऑडिटरी नर्व जो है वो एसोसिएटेड है, तो ये लाइन भी जो है वो सही है. फिर क्रोमोसोम 17 जो है वो अफेक्टेड होता है, जबकि ऑप्शन में क्रोमोसोम 27 था, तो आंसर 17 होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. फिर सार्कोमेटिस चेंजेस डू ऑकर यानी कि सार्कोमा हो सकता है, तो जो स्टेटमेंट था डजंट टर्न इनटू सार्कोमा, ये लाइन जो है वो गलत है. ये कैफे ऊ ले स्पॉट है यानी कि कॉफी विथ मिल्क, तो जो स्किन है और जो स्पॉट है तो वो कॉफी और मिल्क दोनों का कलर का जो चेंजेस हो रहा है हाइपरपिगमेंटेशन का, इसलिए इसको कैफे ऊ ले स्पॉट बोलते हैं. ये एक फ्रेंच टर्म है, कैफे मतलब कॉफी, ले मीन्स से मिल्क, तो मिल्क एंड कॉफी का जो कलर रहेगा अलग अलग जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये स्पॉट इस डिजीज में प्रेजेंट रहता है. क्वेश्चन नंबर 39. अ 68 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग पर रेक्टम. ही हैज एन एसोसिएटेड हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, रिसेंट चेंज इन बॉवल हैबिट एंड अ सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट डिफिकेशन. प्रोविजनल डायग्नोसिस इज ए एनल फिशर, बी हेमोरॉइड्स, सी रेक्टल कैंसर, डी अल्सरेटिव कोलाइटिस. एंड द आंसर इज रेक्टल कैंसर. सो सिम्टम्स हैं रेक्टल कैंसर का या रेक्टल कार्सिनोमा का. ये इसका ये निमोनिक है ए बी सी डी ई एफ. तो ए अल्टर्ड बॉवल हैबिट्स, ये प्रेजेंट है. ब्लीडिंग पर रेक्टम, इनकम्प्लीट डिफिकेशन, वेट लॉस, ये सारा सिम्टम जो था वो पेशेंट के कंडीशन में था. तो जो डायग्नोसिस होगा वो रेक्टल कार्सिनोमा और रेक्टल कैंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 40. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पेडेट्स डिजीज ऑफ द निपल. ए, इट इज सुपरफिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इंट्राडक्टल कार्सिनोमा. बी, कैरेक्टराइज बाई हार्ड नोड्यूल अंडरनीथ द एरियोला विद अल्सरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ निपल. सी, इट मिमिक्स एक्जिमा ऑफ निपल एंड एरियोला. डी, हिस्टोलॉजिकली इट कंटेन्स एस्केनेजी सेल्स विथ मैलिग्नेंट फीचर्स. ई, मोस्टली सीन इन लैक्टेटिंग वुमेन. ऑप्शन है ए बी सी, ए सी ई, बी सी ई, बी डी ई. द करेक्ट आंसर इज ए बी सी ओनली. ए, इट इज सुपरफिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इंट्राडक्टल कार्सिनोमा. ये स्टेटमेंट सही है. कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड नोड्यूल अंडरनीथ द एरियोला विथ अल्सरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ निपल. ये भी लाइन सही है. इट मिमिक्स एक्जिमा ऑफ निपल एंड एरियोला. ये भी सही है. सो पेजेट्स डिजीज ऑफ निपल, इंट्राडक्टल पैपिलोमा होता है. इट इज मिसनोमर. इट इज नॉट डिजीज ऑफ निपल बट एन इंट्राडक्टल कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग एक्सट्रेक्टेड डक्ट. फिर निपल कैन बी अल्सरेटेड, ये लाइन भी सही है. अल्सरेटेड फिशर, क्रैक्ड, ओजिंग इज प्रेजेंट. इन एडवांस स्टेज इंटायर निपल इज डिस्ट्रॉयड और अल्सरेटेड. ये स्टेटमेंट भी है. फिर है इट इज ड्यू टू इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. दिस सेल्स आर कॉल्ड पेजेट्स सेल. तो इसमें है पेजेट्स सेल, बट जो स्टेटमेंट में था वो था एस्केनेजी सेल्स, जो कि इस डिजीज में नहीं मिलता है. इस डिजीज में पेजेट्स सेल्स मिलता है. ये स्टेटमेंट गलत है.
इट इज डिफरेंशिएट फ्रॉम एक्जिमा, तो एक्जिमा से मिलता जुलता है. सो एक्जिमा एंड पैजेट डिजीज सीन इन एल्डरली वुमेन, जनरली एल्डरली वुमेन में मिलता है. जो स्टेटमेंट था मोस्टली सीन इन लैक्टेटिंग वुमेन, उसमें नहीं होगा क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज का नहीं है, बल्कि जो एल्डरली ज़्यादा एज की जो वुमेन है उसमें मिलता है. फिर एस्केनेजी सेल कहाँ मिलेगा? मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ हाशिमोटोस थायराइडाइटिस इज एस्केनेजी सेल, तो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में एस्केनेजी सेल मिलता है. एस्केनेजी सेल को ही हथोल सेल भी कहते हैं. हाशिमोटोस थायराइडाइटिस जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज है और हाइपोथायरॉइडिज्म का कंडीशन है, जिसमें कि स्टार्टिंग में जो सेल होता है वो बल्ज करता है, जो कंडीशन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजिएंट फेज के लिए हाइपोथायरॉइडिज्म के फेज में जाता है. फिर वो जो सेल होता है वो बस्ट कर जाता है और जो थायराइड ग्लैंड है वो श्रिंक कर जाता है, तो कंडीशन जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म का हो जाता है. तो अल्टीमेटली ये हाइपोथायरॉइडिज्म का कंडीशन है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म है. तो इसमें एस्केनेजी सेल या फिर हथोल सेल्स मिलता है. क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए, सेलुलाइटिस इज मोर सुपरफिशियल देन एरिसिफिलस. बी, ट्यूबरकुलस अल्सर इज यूजुअली पेनलेस एक्सेप्ट ऑन द टंग. सी, केलॉइड कंटेंस प्रोलिफरेटिव इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट्स एंड थिक कोलेजन स्ट्रोमा. डी, डर्मॉइड सिस्ट इज ट्रांस इल्यूमिनेटिंग इन नेचर. एंड द ऑप्शंस आर ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी एंड सी एंड डी. एंड द आंसर इज बी एंड सी. बी, ट्यूबरकुलस अल्सर इज यूजुअली पेनलेस एक्सेप्ट ऑन द टंग. एंड सी, केलॉइड कंटेंस प्रोलिफरेटिंग इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट एंड थिक कोलेजन स्ट्रोमा. सो सेलुलाइटिस इन्वॉल्व्स द डीपर डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस फैट. तो जो सेलुलाइटिस होता है वो सुपरफिशियल नहीं होता है बल्कि डीपर होता है. एरिसिफिलस इन्वॉल्व्स द अपर डर्मिस एंड सुपरफिशियल लिम्फैटिक्स. तो सेलुलाइटिस डीपर इफेक्ट करता है एंड जो एरिसिफिलस होता है वो सुपरफिशियली इफेक्ट करता है. सो सेलुलाइटिस इज मोर सुपरफिशियल देन एरिसिफिलस, ये स्टेटमेंट गलत है. फिर ट्यूबरकुलर अल्सर ऑफ टंग वो पेनफुल होता है, तो स्टेटमेंट सही है. एंड अबाउट केलॉइड प्रोलिफरेशन ऑफ इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट्स होता है एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर मोर ऑफ टाइप बी कोलेजन, यानी कोलेजन का लेवल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है केलॉइड में, तो ये भी लाइन सही है. डर्मॉइड सिस्ट वो ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट जो है उसमें वो निगेटिव रहता है. सो डर्मॉइड सिस्ट इज ट्रांस इल्यूमिनेशन इन नेचर, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. वो ट्रांस इल्यूमिनेटिंग नहीं है बल्कि जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि निगेटिव होता है. क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस. ए, रिन टेस्ट पॉजिटिव. बी, वेबर टेस्ट लेटरलाइज्ड टू पुअर ईयर. सी, ऑडिटरी नो गैप बिटवीन ईयर ऑडियोमेट्री नो गैप बिटवीन ईयर एंड बोन कंडक्शन कर्व. डी, मोर ऑफन इन्वॉल्विंग लो फ्रिक्वेंसीज. ई, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इज पुअर विद डिफिकल्टी इन हियरिंग इन नॉइज. ऑप्शंस हैं ए ए बी डी, बी ए सी ई, सी बी सी डी एंड डी बी डी ई. एंड द आंसर इज ए सी ई, यानी ए डिनर टेस्ट पॉजिटिव, ऑडियोमेट्री नो गैप बिटवीन ईयर एंड बोन कंडक्शन कर्व एंड ई स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इज पुअर विद डिफिकल्टी इन हियरिंग इन नॉइस. सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड इट्स मैनेजमेंट जो टॉपिक है इसमें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो पॉजिटिव रिनर टेस्ट होता है, ये स्टेटमेंट सही है. वेबर लिटरलाइज्ड टू बेटर ईयर, तो जो बेटर ईयर है उसके तरफ लिटरलाइज्ड होता है वेबर टेस्ट में, और जो ऑप्शन में था वो था लिटरलाइज्ड टू पुअर ईयर, तो ये लाइन गलत है. मोर ऑफन इन्वॉल्विंग हाई फ्रिक्वेंसीज, सो मोर और ऑप्शन में था मोर ऑफन इन्वॉल्विंग लो फ्रिक्वेंसीज, तो वो लो फ्रिक्वेंसीज नहीं होता है बल्कि हाई फ्रिक्वेंसीज होता है. नो गैप बिटवीन ईयर एंड बोन कंडक्शन कर्व ऑन ऑडियोमेट्री, ये स्टेटमेंट सही है. स्पीच डिस्क्रिमिनेशन इज पुअर, ये भी स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन हिमेचूरिया. ए, माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया इज ऑलवेज एबनॉर्मल.
बी पेनफुल हिमाचूरिया इंडिकेट्स मैलिग्नेंट पैथोलॉजी, सी हिमाचूरिया एट द स्टार्ट ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम इंडिकेट्स अ कॉज इन द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, डी टर्मिनल हिमाचूरिया इज कॉज्ड बाय ब्लैडर इरिटेशन और इन्फेक्शन और प्रोस्टेट ऑरिजिन, ई फॉल्स हिमाचूरिया इज डिस्कलेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम पिगमेंट्स सच एज फूड कलरिंग एंड मायोग्लोबुलिन. And the options are A, A, B, C, B, A, D, E, C, B, C, E, and D, B, D, E. The answer is A, D, and E only. A, microscopic hematuria is always abnormal. So, hematuria hai to wo abnormal hi hoga, either microscopic or macroscopic. Wo abnormal hai. D, terminal hematuria is caused by bladder irritation or infection or prostate origin. तो जो टर्मिनल हिमाचूरिया होगा यानी कि यूरिन के एंड पे जब ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लैडर इरिटेशन का कारण हो सकता है या फिर प्रोस्टेट के इन्फेक्शन का कारण हो सकता है. ई फॉल्स हिमाचूरिया इज डिस्कलेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम पिगमेंट्स सच एज फूड कलरिंग एंड मायोग्लोबुलिन, यानी कि एक्चुअल में हिमाचूरिया हो नहीं रहा है बट जो यूरिन का कलर होगा वो हिमाचूरिया के यूरिन के जैसा होगा, रेडिश कलर का होगा, तो किसी फूड कलरिंग के कारण हो सकता है या फिर मायोग्लोबुलिन के कारण. So, urethral bleeding usually manifests at the first 10 to 15 ml of blood-stained urine, which gradually clears. Terminal hematuria usually indicates trigonal irritation, bladder stone. और यानी कि जो initial phase का जो रहेगा वैसे केस में जो complaint होगा वो urethra में होगा, यानी कि initially ये जो terminal end है वहाँ पर जो ब्लड है इसके कारण वो स्टार्टिंग में आ रहा है. तो अगर इनिशियली अगर ब्लड आ रहा है तो वो यूरेथ्रा का कारण होगा, जबकि ऑप्शन में था एट द स्टार्ट ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम इंडिकेट्स अ कॉज इन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट. तो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का जो कंडीशन रहेगा वो इनिशियल फेज में नहीं रहेगा, इनिशियल फेज के लिए यूरेथ्रल ब्लीडिंग हो सकता है. Bleeding from upper urinary tract, kidneys and ureter is seen throughout the stream as the blood mixes with the urine stored in the bladder. तो अगर जो problem है वो upper urinary tract का रहेगा तो वो uniformly mixed रहेगा, जो urine है वो bladder में stored urine है उससे blood mix हो जाएगा, इसके कारण वो throughout stream वो पूरा जो length रहेगा urine का वो पूरे maturation के phase में होगा, ना कि सिर्फ initial या terminal end पे होगा. तो जब इनिशियल में हो रहा है तब यूरेथ्रल ब्लीडिंग है, जब ब्लड मिक्स्ड हो रहा है यूनिफॉर्मली तब वो किडनी ऑरिजिन का है यानी कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का है. हिमेचूरिया अलोन विदाउट एकॉम्पेनिंग सिम्टम्स शुड बी रेज सस्पिशन ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज. तो अगर हिमेचूरिया हो रहा है तो वो प्रॉब्लम कान है. सो पेनफुल हिमेचूरिया इंडिकेट्स मैलिग्नेंट पैथोलॉजी, तो ये लाइन है. फिर जो फॉल्स होता है फॉल्स हिमाचूरिया वो मायोग्लोबिन के कारण हो सकता है या फिर कोई फूड कलरिंग के कारण हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 44. अ 23 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुएशन, टेनेसनेस एंड डायरिया विथ वॉमिटिंग. ऑन एग्जामिनेशन सी रिवील्स ए टेंडरनेस इन राइट साइड ऑफ पेल्विस ऑन इंटरनल एग्जामिनेशन, B. Shrunken look with dehydration, C. Tachycardia, D. Fever, E. Attempt to flex and rotate hip aggravates pain. Choose the correct answer from the options given regarding the provisional diagnosis. A. Acute appendicitis, B. Acute salpingitis, C. Amoebic colitis, D. Ureteric calculus. And the answer is acute appendicitis. सो अपेंडिसाइटिस का बहुत सारा सिम्टम है जो कि इस कंप्लेन में है केस में, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, टेंडरनेस एंड रिबाउंड टेंडरनेस आर प्रेजेंट एट मैकबर्नीज पॉइंट. तो मैकबर्नीज पॉइंट राइट साइड के कंप्लेन में होगा, राइट साइड में. कोप्स ऑब्ट्रेटर टेस्ट सीन इन पेल्विक अपेंडिसाइटिस ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द ऑब्ट्रेटर मसल, फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन प्रोड्यूसेस पेन. तो इसको कॉप्स ऑब्ट्रेटर टेस्ट या फिर सिर्फ ऑब्ट्रेटर टेस्ट भी कहते हैं कि जब मीडियल रोटेशन कर रहे हैं थाई के रीजन का तो ऑब्ट्रेटर मसल में इरिटेशन होता है और ये पेल्विक अपेंडिसाइटिस यानी कि 4 o'clock का जो अपेंडिसाइटिस है उस केस में प्रेजेंट होता है.
तो ये सारा सिम्टम्स जो है वो अपेंडिसाइटिस का है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, तो जो डायग्नोसिस होगा वो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होगा। क्वेश्चन नंबर 45, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज सस्पेक्टेड स्पॉन्टेनियस सब एरेक्नॉइड हेमरेज इज ए सिटी स्कैन ऑफ हेड एंड ब्रेन, बी लंबर पंक्चर, सी एमआरआई एंजियोग्राफी, डी अल्ट्रासाउंड स्कैन। एंड द आंसर इज सिटी स्कैन ऑफ हेड एंड ब्रेन। सिटी ब्रेन स्कैनिंग एंड लंबर पंक्चर दोनों कर सकते हैं, बट सिटी स्कैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। द डायग्नोसिस ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमरेज कैन बी मेड बाई सिटी, बट अ निगेटिव रिजल्ट डजेंट कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड। अगर सिटी अगर निगेटिव भी आ रहा है तभी एसएच हो सकता है, उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। सिंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन सब एरेक्नॉइड स्पेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई सिटी, तो अगर अमाउंट बहुत कम है तो वो सिटी स्कैन में रीड नहीं होता है। इसलिए अगर सिटी स्कैन में अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, तो सिटी स्कैन जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑल द फीचर्स ऑफ पिंस मेटल एंजाइना एक्सेप्ट ए चेस्ट पेन एट रेस्ट, बी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विथ चेस्ट पेन, सी एसटी सेगमेंट एलिवेशन ड्यूरिंग चेस्ट पेन, डी ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जो कि एकदम अपोजिट है, एक एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और एक एसटी सेगमेंट एलिवेशन। तो आंसर होगा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विथ चेस्ट पेन। एंजाइना ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन, जब एंजाइना कंप्लेन होता है तो वो ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन होता है ऑन ईसीजी, इट इज टर्म्ड प्रिंस मेटल एंजाइना। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विथ चेस्ट पेन ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि एसटी एलिवेशन होगा और ट्रांजिएंट यानी कि शॉर्ट टाइम का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, कार्पल टनल सिंड्रोम इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट मिक्सेडेमा, बी पार्किंसनिज्म, सी प्रेगनेंसी, डी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड द आंसर इज पार्किंसनिज्म। कार्पल टनल सिंड्रोम यानी जो मीडियन नर्व है जब वो इंजर्ड होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो कॉमन कॉज है हाइपोथायरिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी। सो पार्किंसनिज्म नहीं होता है, तो आंसर जो होगा वो पार्किंसनिज्म होगा, बाकी सारे में होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी कॉमनली सीन इन पेशेंट्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा इज ए हाइपरकैल्सीमिया, बी हाइपरकैलेमिया, सी हाइपोकैल्सीमिया, डी हाइपोकैलेमिया। एंड द आंसर इज हाइपरकैल्सीमिया। सो जो कंडीशन देगा ये मल्टीपल माइलोमा कंडीशन है क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फीचर में, तो हाइपरकैल्सीमिया होता है, रीनल फेलियर भी उससे अफेक्टेड होता है, और जो सारा ब्लड का टेस्ट होगा एबनॉर्मल टेस्ट में भी हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49, द फंडामेंटल डिफेक्ट इन माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ एसिटाइल कॉलिन रिसेप्टर, बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ एसिटाइल कॉलिन वेसाइकल्स, सी डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कॉलिन, डी डिफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कॉलिन स्ट्रेस। एंड द आंसर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ एसिटाइल कॉलिन रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स का नंबर है वो घट जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिड्यूस द नंबर ऑफ एसिटाइल कॉलिन रिसेप्टर, रिसेप्टर डिक्रीज कर देता है जिसके कारण की जो कंडक्शन होना चाहिए एक्सन्स के बीच में वो प्रॉपरली नहीं होता है, फिर माइस्थेनिया ग्रेविस कंप्लेन होता है। क्वेश्चन नंबर 50, स्वेट इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ए एस्बेस्टोसिस, बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी फेनिलकीटोन्यूरिया, डी सार्कोइडोसिस। एंड द आंसर इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्वेट इलेक्ट्रोलाइट टेस्टिंग करते हैं। स्वेट इलेक्ट्रोलाइट एक टेस्ट है जिसमें कि क्लोरीन का लेवल मेजर करते हैं स्वेट में, और जब ये टेस्ट होता है तो सोडियम एंड क्लोराइड कंसंट्रेशन जो रहेगा वो स्वेट में अगर इंक्रीज्ड है तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 51, द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गाउट इज ए नीडल एस्पिरेशन ऑफ ज्वाइंट फ्लूइड, बी सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन, C
सी सीरम यूरिक एसिड एस्टिमेशन, डी एक्सरे, एंड द आंसर इज नीडल एस्पिरेशन ऑफ ज्वाइंट फ्लूइड। तो ये गाउट है, गाउट और पोडाग्रा दोनों बोलते हैं। पोडाग्रा पोडमिन से फुट एंड एग्रा सीजर को, यानी कि जो पेन होगा वो इतना सीवियर होता है पैर में होता है, स्पेशली इन द बिग टो, इसलिए इसका नाम पोडाग्रा है। द डायग्नोसिस ऑफ गाउट कैन बी कन्फर्म बाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन द एस्पायरेट फ्रॉम द ज्वाइंट, बर्सा और ट्रोफस। तो ज्वाइंट से जो सैनोवियल फ्लूइड लेंगे उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो बर्सा होगा उसके थ्रू, या फिर ट्रोफस जो कि गाउट में इम्पॉर्टेंट है वो क्रिस्टल्स से एक्यूमुलेट हो जाता है, स्पेशली नियर द ईयर, ईयर के हेलिक्स में। क्वेश्चन नंबर 52, द मेजर कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी इन पेशेंट्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज ए कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, बी इन्फेक्शन, सी रीनल सेल कार्सिनोमा, डी रप्चर ऑफ रीनल सिस्ट, एंड द आंसर इज कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे सिम्टम है जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम कॉम्प्लिकेशंस का होगा, जैसे हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन ही धीरे धीरे कंडीशन को सीवियर करते जाएगा, लाइक बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म यानी कि जो बेरी शेप का एन्यूरिज्म होगा, जो आर्टरी होगा वो डायलेटेड होगा, वॉल जो है वो थिन होगा, उसके रप्चर करने के कारण कंप्लेन होगा। सो बेरी एन्यूरिज्म जिससे कान सबएरिनॉइड हेमरेज होता है, माइट्रल एंड ऑर्टिक इरिटेशन इज फ्रिक्वेंट। तो बेरी एन्यूरिज्म का ऐसे भी जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड माइट्रल एंड ऑर्टिक इरिटेशन, ये सारा कंप्लेन भी अगर है तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जाता है। सो आंसर इज कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 53, ट्रांजिडेटिव एंड एक्जिडेटिव फ्लूइड एफ्यूजन्स आर डिस्ट्रीब्यूश्ड बाई मेजरिंग ए अल्कलीन फॉस्फेटेज, बी एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, सी क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, डी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, एंड द आंसर इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो क्राइटेरिया है लाइट्स क्राइटेरिया, ट्रांजिडेट एंड एक्जिडेट जो प्लूरल एफ्यूजन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो एक्जिडेट या ट्रांजिडेट है। तो उसमें एलडीएच इंपॉर्टेंट है, जिससे सेकेंड पॉइंट है प्लूरल फ्लूइड एलडीएच एंड रेशियो ऑफ सीरम एलडीएच रेशियो मोर देन 0.6, तो एलडीएच इंपॉर्टेंट है, एलडीएच यानी कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन फीचर्स ऑफ गुलेनबर्ग सिंड्रोम, ए ए रिफ्लेक्सिया, बी exaggerated deep tendon reflexes, C ascending paralysis, D autonomic dysfunction. ऑप्शन से ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। सो आंसर होगा ए सी डी, ए रिफ्लेक्सिया यानी कि जो रिफ्लेक्स है वो एबसेंट रहेगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सी असेंडिंग पैलाइसिस, डी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। असेंडिंग पैलासिस यानी कि नी पहले लोअर पोर्शन में होगा, धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा। सो इसमें डिस्टल पैरेस्थेसिया होता है, एसेंड्स रैपिडली फ्रॉम लोअर टू अपर लिम्ब, पहले लोअर लिम्ब अफेक्टेड होगा उसके बाद फिर वो अपर लिम्ब को भी अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी वीकनेस होगा, एक्चुअली ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, तो ये सारा चीज रेस्पिरेटरी में जाएगा, जो भी इनवॉलेंट्री है यानी कि ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो अफेक्टेड रहेगा, तो रेस्पिरेटरी भी उसी में आएगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी इम्पेयरमेंट वगैरह है लाइक रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, गैस एक्सचेंज, ये सारा ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में ये सारा चीज़ एबनॉर्मल होगा। सो रेस्पिरेटरी वीकनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, फिर लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होता है, जबकि ऑप्शन में है एग्जैग्रेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, तो वो लाइन गलत है, वो एग्जैग्रेटेड नहीं होता है बल्कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्स होता है, और उसी कंडीशन को ए रिफ्लेक्सिया कहते हैं, यानी एब्सेंट ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 55, द शिलिंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ ए विटामिन B12 डिफिशियंसी, बी विटामिन B2 डिफिशियंसी, सी विटामिन B6 डिफिशियंसी, डी विटामिन B1 डिफिशियंसी, एंड द आंसर इज विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो विटामिन B12 का पनिसियस एनीमिया होता है,
सो पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 का डिफिशेंसी होगा और ये शिलिंग टेस्ट से कंफर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 56, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ए वेव इन विनस वेव फॉर्म आर: ए इट रिफ्लेक्ट्स राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बी इट रिफ्लेक्ट्स राइट एट्रियल प्री सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, सी इट ऑकर्स जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पी वेव, डी इट प्रीसीड्स द फर्स्ट हर्ट साउंड, ई इट फॉलोज द सेकेंड हर्ट साउंड। सो ऑप्शन है ए बी डी, ए सी ई, बी सी ई एंड बी सी डी, एंड द करेक्ट आंसर इज बी सी डी। इट रिफ्लेक्ट्स दैट एट्रियल प्री सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, इट ऑकर्स जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रोग्राफिक पी वेव, इट प्रीसीड्स द फर्स्ट हर्ट साउंड S1। सो ये फ्लेबोग्राम है जो वेनस पल्स का ग्राफ बनेगा, उसमें ए वेव होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यानी एट्रियल सिस्टोल के कारण। सो ए वेव एट्रियल सिस्टोल, इट प्रीसीड्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट रिफ्लेक्ट्स राइट एट्रियल प्री सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, ये लाइन सही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सी इट ऑकर्स जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पी वेव, तो पहले लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है तब राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है। ए वेव जो है वो राइट साइड को इंडिकेट करता है, सो राइट एट्रियम जो है वो देर से कॉन्टैक्ट कर रहा है, और जो पी वेव होता है वो लेफ्ट एट्रियम कान होता है, तो पहले लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा तब राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा, इसलिए पहले ECG में पी वेव बनता है, और जब JVP में देखेंगे तो वो ए वेव बनेगा राइट एट्रियम का, तो पी वेव के बाद में। सो इट ऑकर्स जस्ट आफ्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पी वेव, इट प्रीसीड्स द फर्स्ट हर्ट साउंड, तो फर्स्ट हर्ट साउंड पहले होगा। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट रिफ्लेक्ट्स राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं बताता है बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बताता है। इट फॉलोज द सेकेंड हर्ट साउंड, तो ये सेकेंड हर्ट साउंड के बाद नहीं होता है, उससे काफ़ी पहले होता है, सो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, एन 8-year-old बॉय डेवलप्ड इंटेंस इचिंग इन इंटर डिजिटल स्पेसेस ऑफ फिंगर्स पाम्स एंड ओवर अनर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म्स, एग्जामिनेशन रिवील्स एक्सकोरिएशन पेप्यूल्स एंड टाइनी लीनियर वाइट मार्क्स इन अफेक्टेड पार्ट्स। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज ए पेप्यूलर अर्टिकेरिया, बी स्कैबीज, सी टीनिया मैनम, डी टीनिया इंग्विनम, एंड द आंसर इज स्कैबीज। स्कैबीज में वो बरो, जो वाइट लाइनिंग है वो बरो के कारण है, जिसमें कि एग्स रहता है और स्कैबीज का माइट भी उसी बरो में रहता है, तो वो स्कैबिटिक बरो है। लीनियर और कर्विलीनियर पेप्यूल, इन्हें स्मॉल चिल्ड्रन, वो स्मॉल चिल्ड्रन में होता है, पाम्स में होता है, प्रोराइटिस इंटेंस होगा, यानी कि जो इचिंग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये सारा सिम्टम जो है वो स्कैबीज का है, सो द आंसर इज स्कैबीज। ऊपर जो वाइट रैशेज है, जो लाइनिंग है, वो वही स्कैबीज के बरो के कारण है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस: ए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 100 to 125 mg पर डेसीलीटर, बी 2 hour प्लाज्मा ग्लूकोज बिटवीन 140 to 199 mg पर डेसीलीटर फॉलोइंग एन ओरल ग्लूकोज चैलेंज, सी HbA1c मोर देन 6.5%, डी प्लाज्मा ग्लूकोज मोर रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन और इक्वल टू 150 mg पर डेसीलीटर। ऑप्शन है ए ए बी एंड डी, बी बी एंड सी, सी ओनली एंड डी ओनली। सो द आंसर इज सी ओनली, HbA1c इज मोर और इक्वल टू 6.5%। सो जो डायबिटीज का क्राइटेरिया है वो इम्पेयर्ड फास्टिंग में जो अमाउंट रहेगा वो 110 to 125 है, जो कि नॉर्मली 100 to 125 समझा जाता है, और ये प्री डायबिटिक फेज है। सो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 100 to 125 mg पर डेसीलीटर, ये डायबिटिक नहीं होगा बल्कि प्री डायबिटिक होगा, सो ये लाइन जो है वो गलत है।
फिर टू आर प्लाज्मा ग्लूकोज बिटवीन 140 to 199, ये भी गलत है, ये भी प्री डायबिटिक का फेज है। जब इससे ज़्यादा होगा यानी 200 या 200 से ऊपर रहेगा तब उसको डायबिटिक मेलाइटिस कहेंगे। एंड रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज मोर और इक्वल टू 150 mg/dL है तो वो डायबिटिक मेलाइटिस होगा। ये लाइन भी गलत है क्योंकि रैंडम भी 200 से अबव होगा तब उसको डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। और इस भी A1C मोर और इक्वल टू 6.5%, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 59, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेल टेरिजियम इज ए डिजिटल इस्चीमिया, बी लाइकेन प्लेनस, सी पेम्फिगस, डी ट्रॉमा। एंड द आंसर इज लाइकेन प्लेनस। सो लाइकेन प्लेनस में टेरिजियम मिलता है। टेरिजियम एक डिस्ट्रक्टिव नेल डिस्ट्रॉफी है जिसमें कि स्प्लिटिंग होता है, नेल का स्प्लिटिंग होगा ड्यू टू सेंट्रल फाइबोसिस एंड स्कैरिंग, उसके कारण वो विंग्ड अपीयरेंस होगा, विंग के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है नेल्स का, तो टेरिजियम लाइकेन प्लेनस से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल हाइपोथायरायडिज्म इज ए इनबॉर्न एरर्स ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, बी मैटरनल एंटीथायराइड ट्रीटमेंट, सी थायराइड ग्लैंड डिसजेनेसिस, डी TSHR ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज। एंड द आंसर इज थायराइड ग्लैंड डिसजेनेसिस। सो कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरायडिज्म में जो कॉन्जेनाइटल है उसमें थायराइड एप्लेसिया है, एप्लेसिया और डिसजेनेसिस दोनों सेम टर्म है। सो थायराइड डिसजेनेसिस जो है वो कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म का कॉज है और इसमें थायराइड या तो एब्सेंट होगा या फिर अंडर डेवलप्ड होगा, ये कंडीशन प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एसर्शन रीजन है, एसर्शन है एपोप्टोसिस ऑकर इन अल्जाइमर्स डिजीज, एपोप्टोसिस यानी कि प्लांट सेल डेथ तो वो अल्जाइमर्स डिजीज में होता है। रीजन, देयर इज एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स और म्यूटेशंस। ये ऑप्शन है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एपोप्टोसिस जो कि प्लांट सेल डेथ इसको बोलते हैं तो डिजीज कंडीशन में होता है, उसमें अल्जाइमर्स भी है, डिजनेटिव डिजीज में अल्जाइमर्स डिजीज, तो अल्जाइमर्स में एपोप्टोसिस होता है। ये सेल है, सेल इंटीरियर, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर आउटर एरिया है, तो जो मॉलिक्यूल होता है APP मॉलिक्यूल यानी कि एमोलाइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन, तो जो ग्रीनिश एरिया है जनरली वहाँ पर क्लीवेज होता है और उसके बीच में क्लीवेज होता है जिसके कारण कि जो प्रोटीन जो बाहर रहता है वो सॉल्यूबल रहता है, वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिजॉल्व हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। बट यही अगर जो एंड पॉइंट है वहाँ पर अगर होता है, वहाँ पर अगर कट होता है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। जो कंटेंट बनेगा वो जो एग्जैक्ट जो ग्रीनिश पॉइंट है या तो ऊपर होना चाहिए या तो नीचे होना चाहिए, बट वहाँ पर जो ग्रीनिश पॉइंट है वो अगर कट हो रहा है, वहाँ पे अगर लाइगेशन हो रहा है तो बीटा एमोलॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। वो तीन पोर्शन है, ऊपर अल्फा, फिर बीटा, फिर डेल्टा, तो बीटा एमोलॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। फिर धीरे धीरे ये आपस में जो वो जो पहले वो अगर जब क्लीवेज होता अपने एक्चुअल जगह पर तब वो सॉल्युबल होता, बट ये एक्चुअल जगह नहीं है जहाँ पर से क्लीवेज हो रहा है, उसके कारण ये इनसॉल्युबल रहेगा और वहीं आसपास में वो मॉलिक्यूल घूमते रहेगा और बाद में वो इकट्ठा होकर के एक क्लम्प बना लेगा, इसको कि बीटा एमोलॉइड प्लाक बोलेंगे। तो ये प्लाक है जो कि बीटा प्रोटीन का जो पोर्शन है उससे बना हुआ है और ये एमोलॉइड का एक्युमुलेशन होता है अल्जाइमर्स डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 62, राइट करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट्स स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, ए डायपिडेसिस, बी केमोटैक्सिस, सी फेगोसाइटोसिस, डी एडहेशन, ई इमिग्रेशन। ये सीक्वेंस है, तो सबसे पहले एडहेशन, फिर इमिग्रेशन, केमोटैक्सिस, डायपिडेसिस एंड देन लास्ट में फेगोसाइटोसिस होता है। इनिशियल फेज का है, सेल के फेज का एडिशन है, इमिग्रेशन है एंड डायपिडेसिस है। तो सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले एडिशन,
तब इमिग्रेशन, फिर डाइपेडेसिस, केमोटेक्सिस एंड लास्ट में फेगोसाइटोसिस है। बट ऑप्शन में पहले केमोटेक्सिस है, देन डाइपेडेसिस है। स्टिल ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। एडिशन, इमिग्रेशन, केमोटेक्सिस, डाइपेडेसिस, देन फेगोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 63, साइंटिस्ट और जो वर्क है उसका मैच द पेयर है। ए द डॉल्फ विचो, लुडविक एस्कॉफ, पॉल लैंगरहैंस, कार्ल लैंडस्टीनर। एंड जो वर्क है, सेल सीक्रेट इंसुलिन, डिस्टिंग्विश डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, नोड्यूल्स इन मायोकार्डियम। ऑप्शन है एंड द आंसर इज द डॉल्फ विचो, फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, लुडविक एस्कॉफ, नोड्यूल्स इन मायोकार्डियम, एस्कॉफ नोड्यूल मिलता है, पॉल लैंगरहैंस, सेल सीक्रेट इंसुलिन, कार्ल लैंडस्टीनर, डिस्टिंग्विश डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। तो लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप के लिए, लैंगरहैंस सेल्स पैंक्रियाज में होता है, सो पॉल लैंगरहैंस जो कि लैंगरहैंस के नाम पे है, फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी रुडोल्फ विचो। फिर कार्ल लैंडस्टीनर वो ब्लड ग्रुप्स को का खोज किए थे, पॉल लैंगरहैंस डिस्कवरी ऑफ द सेल्स दैट सीक्रेट इंसुलिन, इंसुलिन बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है पैंक्रियाज का, लुडविक एस्कॉफ डिस्कवर्ड नोड्यूल्स इन मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में एस्कॉफ नोड्यूल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 64, केमिस्लिन विल्सटन डिजीज इज डायग्नोस्टिक ऑफ ए एमोलॉइडोसिस यानी एक्युमुलेशन ऑफ एमोलॉइड प्रोटीन, बी बेनाइन हाइपरटेंशन, सी डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, डी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। एंड आंसर इज डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। सो डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, उसमें केमिस्लिन विल्सन्स नोड्यूल, ये नोड्यूल का स्ट्रक्चर है, विच इज पैथोजेनिक ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स शो वेसल बॉडी, ए हेपेटोसाइट, बी कफर सेल, सी मास्ट सेल, डी प्लाज्मा सेल। वेसल बॉडी कौन से सेल में शो होता है? एंड द आंसर इज प्लाज्मा सेल। सो ये प्लाज्मा सेल है, उसी में वेसल बॉडी होता है, वेसल बॉडीज इन प्लाज्मा सेल। सो टोटल 65 क्वेश्चंस हैं जो कि अलाइड के हैं आउट ऑफ 120, एंड जो 55 क्वेश्चंस हैं वो होम्योपैथी पार्ट के हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में है। सो मेनली एलाइड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू होम्योपैथी पार्ट। मेरे फ्रेंड्स से बुक्स बुक के लिस्ट का मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो टेक्स्ट बुक्स हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।